Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों कर्क लगन की सीरीज में कल हमने मार्स की प्लेसमेंट कंप्लीट कर ली है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बुध की प्लेसमेंट के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि अगर कर्क लगन की कुंडली में लगन में अगर बुध फर्स्ट हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मरकरी जो है कर्क लगन में 12वें और 3रे भाव का स्वामी है। ये दोनों ही भाव कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, ज्यादातर इसमें डेफिशिएंसीज मिलती हैं। अगर हम 3रे भाव की चर्चा करें तो संघर्ष का भाव है, पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, भाग दौड़ का है, मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, एडवर्टाइजमेंट का है, हॉबीज का है, वर्क बाय हैंड्स का है, यंगर सिबलिंग्स का है और मेहनत का भाव है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे बहुत लाइक नहीं करते और दुष्टाना हाउसेज में ये पहला हाउस है जो कि सबसे कम मैलिफिक है। और 12वां घर व्यय का है, इसे व्यय भाव भी बोल देते हैं, एक्सपेंसेस का है, सॉलिट्यूड का है, अकेलेपन का है, बैड प्लेजर्स का है, एसाइलम्स का है यानी कि पागलखानों का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, सॉलिट्यूड का है, इमेजिनेशन का है, क्रिएटिव सीक्रेट हिडन टैलेंट्स का है और 12वां घर विदेश का है यानी कि बहुत दूर का घर है ये। और मरकरी इन्हीं दोनों घरों का लॉर्ड ही है और कर्क लगन में इसको एक मारक प्लैनेट की पद्धति प्राप्त है। कर्क लगन में सबसे बड़ा मारक शनि है, ये ध्यान रखना है आपने, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है अगर खराब बैठा हो तो। दूसरा मारक प्लैनेट बुध ही है। केतु और राहु तो मारक है ही है, वो तो हर उसमें मारक ही माने जाते हैं ज्यादातर कुंडलियों में। अब देखिए यहां पर बुध जो है वो लगन में ही आ गए। अब लगन में बुध के आने से इस इंसान में एक तो बुध की क्वालिटीज आएंगी क्योंकि बुध लगन में आ गया, पर्सनालिटी में आ गया, सेल्फ में आ गया, ब्रेन में आ गया और दूसरा 3रे और 12वें भाव का भी इसकी पर्सनालिटी में इंपैक्ट आएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जब बुध की अपनी क्वालिटीज लगन में आ जाए यानी आदमी की पर्सनालिटी में आ जाए तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। मतलब बुध क्या है? बुध रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, इमेजिनेटिव होगा और इंटेलिजेंट भी होगा। हालांकि 12वें घर से आ रहा है, कभी कभी ऐसी बात कर देगा जो लोगों को समझ में नहीं आएगी और कभी कभी हवा में इसकी बातें लगेंगी, बट ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये इंटेलिजेंट ही होगा क्योंकि बुध को फर्स्ट हाउस में दिशा बल मिलता है, एजुकेटेड होगा, कम्युनिकेबल होगा, इसके ब्रेन में अनलिमिटेड आइडियाज होंगे, किसी भी बात पे ये इंसान बात कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकता है। ऐसे इंसान दूसरों को सुनते कम है, बोलते ज्यादा है और इंपेशेंट होते हैं थोड़े, लेकिन पराक्रमी होते हैं, इनकी बातचीत में एक एंथुसियाज्म झलकता है। कई चीजें ये करते हैं लाइफ में, कई काम करते हैं लेकिन ये काम को अंजाम नहीं देते, यानी कि आगे तक नहीं ले जाते, दूर तक, क्योंकि इंपेशेंट होते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स तो कई होंगे, आइडियाज कई होंगे लेकिन कोई आइडिया अपने कंप्लीट फॉर्म में चला जाए ये बहुत मुश्किल रहता है। एक तो मारक प्लैनेट है और दूसरा लगन में है।
ऐसे लोगों के माइंड जो है इमेजिनेटिव होता है, माइंड में एक अकेलापन होता है, सॉलिट्यूड होता है। बुध वैसे भी 12वें घर में काल पुरुष कुंडली में नीच का हो जाता है। नीच का बुध मतलब आप में लॉजिक एबिलिटीज कम हो जाती हैं, लेकिन ये तीसरे घर का भी स्वामी है और तीसरे घर में इसकी अच्छी राशि है। तीसरे घर में 6 नंबर राशि है जो एनालिटिक्स की राशि है। तो ऐसा आदमी इंटेलिजेंट तो होगा, एनालिटिकल होगा, क्रिटिकल होगा, लॉजिकल होगा, इमेजिनेटिव होगा, लेकिन कई बार 12वें घर का जब इम्पैक्ट ज्यादा आ जाए तो आदमी कुछ ऐसी बातें भी कर देता है जो इररेलीवेंट होती हैं और लोग उसे कहते हैं यार क्या बात कर रहा है, कुछ इस बात का वो समझ ही नहीं आया, तो लिंक ही नहीं है कोई, क्योंकि 12वां घर है। और राइटिंग में ये लोग अच्छे होते हैं, इमेजिनेशन में अच्छे होते हैं। अगर इनको कोई पीस ऑफ पैराग्राफ दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। बुध जो है कारक है पढ़ाई का, इंटेलिजेंस का, तो ऐसे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन देखिए मून जो साइन है वो फुल ऑफ इमोशंस है और मरकरी जो है वो इमोशंस नहीं, वो लॉजिकल है, ब्रेन से रिलेशन है उसका। मून का हमारे हार्ट से रिलेशन है, माइंड से रिलेशन है। तो अब क्या है, ये आदमी थोड़ा सा बातचीत करने में इमोशनल होगा, अपनी बातचीत में बह जाएगा, उसमें बातचीत करने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा उसको इमोशंस में थोड़ा ड्राइव कर देगा। और एनालिटिकल होगा, इंटेलिजेंट होगा, पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा होगा, अच्छा होगा सेल्स मार्केटिंग, थर्ड हाउस से जो भी चीजें निकलती हैं उसमें अच्छा होगा, भाग दौड़ करने वाला होगा। और ऐसे लोग वर्क पर ही हैंड भी करते हैं। और अब बुध जब लगन में आ जाता है तो बुध में और भी बहुत क्वालिटीज है, बिजनेस माइंडेड होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स में अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से और थर्ड हाउस का लॉर्ड होने की वजह से ये आईटी में, सॉफ्टवेयर में, लैंग्वेजेस में अच्छा होगा, अकाउंट्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, या यूं कहना चाहिए कि सीए वगैरह करने में। ऐसे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि बुध से ये सारे रिलेशंस हैं इन चीजों। ऐसे लोग बातचीत करके अपने व्यवसाय को ठीक से चलाते हैं। अब ये तो हो गया बुध का इंपैक्ट, अब जब 12वें घर का इंपैक्ट इसमें आएगा तो ऐसे आदमी खर्चीले ज्यादा होते हैं, स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, इनकी काफी बातों का नुकसान हो जाता है, व्यय हो जाता है, इनकी सिर में इनके दर्द रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे हेड का है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, ये थोड़े स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि मून जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मून हमारी इमोशंस है, और बुध 12वें घर से आ गया, ज्यादा सोचने से आदमी का कहीं ना कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी मिलती है, यहां पर स्ट्रेसफुल माइंड रहता है, आदमी अकेलेपन को ज्यादा चाहता है, ज्यादा पसंद करता है। अगर ये लोग विदेश में चले जाएं, विदेश का योग भी बनता है तो बहुत अच्छे रहते हैं, वहां इनको अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर ये अपने देश में रहते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ न कुछ स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, पैसे का व्यय ज्यादा रहेगा, बरकत में कमी रहेगी, क्योंकि अब देखो मारक प्लानेट एक आके सिर पे बैठ गया, फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, बीमारी भी देगा, अकेलापन भी देगा, डिप्रेशन भी देगा, एक्सेसिव थिंकिंग देगा, और कई बार ऐसी बातें भी ये करवाएगा ग्रुप ऑफ पीपल में या अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 7वें घर को देखता है ना, 7वां घर सामने वाले लोगों का है, जो लोगों को समझ में नहीं आएगी, लोग यार ऐसे ही हवा में मार रहा है, कोई मतलब तो है नहीं इसका, बिकॉज 12वें घर का संबंध है। जो चीज वो सोच के कह रहा है वो चीज लोगों को नहीं समझ में आएगी, वो सिर्फ उसके ब्रेन की आउटपुट है, तो इसका मैलिफिक इम्पैक्ट ये आएगा। बुध की दशा अंतरदशा जब चलेगी प्रॉब्लम्स ही रहेंगी कैंसर असेंडेंट के लोगों को, कुछ चीजें अच्छी चल सकती हैं वो तब जब बुध
किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, दिस इज द ओनली कंडीशन। और चंद्र की प्लेसमेंट, डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो यहां अच्छी चीजें मिल सकती हैं। अब बुध के साथ आपको पता ही है सूर्य भी साथ रहता है, सूर्य या तो आपको सेकेंड हाउस में मिलेगा या लगन में या बारहवें में। अब यहां पर अगर बाय द वे सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है तो देखो सेकेंड हाउस का प्रभाव आ गया, अच्छे फल सूर्य ले आएगा, कंपनसेट कर देगा। सूर्य अगर दूसरे घर में है तब भी वेल्थ का योग बना के कंपनसेट करेगा। अगर सूर्य बारहवें में है और बुध लगन में है तो हम ये मान सकते हैं अगर आदमी देश में रहता है, अपने नेटिव लैंड में रहता है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। आदमी विदेश चला जाता है तो परफेक्ट ये विदेश सेटल होने का योग भी बनता है। जब भी हमारे चार्ट में कोई योग तीन चार जगह से बन रहा हो तो वो सर्टेन हमारी लाइफ में इंसिडेंट होता ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे इस चार्ट में ही अगर हम देख लें, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठ जाए ट्वेल्थ में, चौथे घर का स्वामी ट्वेल्थ में बैठ जाए शुक्र, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड गुरु है वो बैठ जाए ट्वेल्थ में, या बुध जो है लगन में भी ये योग बना देगा और चौथे में भी बना देगा। तो अब एक बुध का तो योग बना ही हुआ लगन में, एक और योग बन जाए या सूर्य उधर जाके बैठ जाए तो भी बनेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए बारहवें घर में। कल भी हमने बात की, बारहवें घर में एक अर्द्रा नक्षत्र मिलता है, उसमें अगर प्लैनेट है तो विदेश में सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से होती है, हो भी जाए तो इंसान वहां पर काफी प्रॉब्लम्स फेस करता है, डिफिकल्टीज फेस करता है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो दो नक्षत्र हैं वो ठीक है। अब देखिए यहां बैठा हुआ बुध आपको बारहवें घर की प्रॉब्लम्स देगा, अगर आप अपने देश में हो तीसरे घर का संघर्ष देगा, काफी मेहनत करके आप अपनी डेस्टिनी को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी बुध जो अपनी क्वालिटीज देगा वो अच्छी है, क्योंकि दिशा बल मिलता है यहां पर बुध को पहले घर में, और बुध की अपनी क्वालिटीज तो बहुत ही मार्वलस है, इंसान को क्लेवर बना देता है, समझदार बना देता है, लॉजिकल बना देता है, और दिखने में भी आदमी अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक होता है, ये सारी बुध की क्वालिटीज हैं। और बिजनेस माइंडेड बना देता है, फुल ऑफ आइडियाज बना देता है, फुल ऑफ न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज बना देता है, ये सारी अच्छी क्वालिटीज है, इससे आदमी जिंदगी में काफी आगे बढ़ जाता है। अगर चार्ट की ओवरऑल टोन ठीक है तो फिर इस बुध का भी सपोर्ट मिल जाता है। या फिर बुध अगर जिस घर से आ रहा है उस घर में ही हम बैठ जाए, बारहवें घर में यानी विदेश में हम चले जाएं, या बुध ही हमें भेज दे तो भी हमारी लाइफ में कई चीजें ठीक निकलती हैं। अब यहां बैठा हुआ बुध देखेगा सातवें घर को, सातवें घर में वाइफ के साथ कुछ न कुछ ट्रबल्स रहेंगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि बुध belongs to two malefic houses। यानी बोला जब एक malefic houses या मारक प्लानेट लगन में बैठ के सातवें को देखता है तो सातवें को डिस्टर्ब करता है। अगर आदमी बिजनेस में है तो बिजनेस में भी कई तरह के लॉसेस, एक्सपेंसेस या खर्चे वगैरह को बढ़ाए रखेगा और टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी वाइफ के साथ उल्टी सीधी आर्गुमेंट्स करवाएगा और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रखेगा। सातवां घर संभला होना चाहिए नहीं तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो दोस्तों अब यहां देखते हैं नक्षत्र, यहां तीन नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है पुनर्वासु, जिसका एक चरण है चौथा चरण। पुनर्वासु में बुध इंसान को बड़ा वाइज बना देता है, गुरुदेव का नक्षत्र है, तो इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इमेजिनेशन है, उसमें एक विजडम झलकेगी आपको। यहां आपके जो मैलिफिक इंपैक्ट है बारहवें घर का थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है इस चार्ट में तो यहां कुछ अच्छे फल भी ये बुध दिलवाएगा, चाहे आपके खर्चे बढ़ाएगा, चाहे आपको मेहनत कराएगा, संघर्ष देगा। अगर गुरु ही लगन में बैठ गया या गुरु किसी अच्छे घर में बैठ गया, चौथे में बैठ गया या और किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गया, पांचवें में, नौवें में, कहीं भी बैठ गया जो अच्छे घर है, तो यहां बुध आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देगा, लेकिन देगा मेहनत करने के बाद और टेंशन लेने के बाद, क्योंकि मारक प्लानेट है।
और अगर जुपिटर ठीक ना बैठा और ये पुनर्वासु में हुआ है तो ये बुरे रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा है, शनि देव का नक्षत्र है, इसके गुरु जुपिटर हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र के फल बड़े लेट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ सैटर्न इन दिस नक्षत्र। बहुत लेट 42 साल 48 साल के बाद मिलते हैं, मेहनत बड़ी करवाता है। तो पुष्य नक्षत्र है बहुत अच्छा, ऑस्पिशियस नक्षत्र। अगर पुष्य नक्षत्र में या बुध देव बैठा हुआ है तो आदमी में ठहराव होगा, कंसिस्टेंसी होगी, जो हमने शुरू में बातें की है ना कि ये किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा, यहां पर प्रोजेक्ट पे चिपका रहेगा। ये पुष्य नक्षत्र है, शनिदेव का, शनि इसको इधर उधर होने नहीं देंगे, जिस काम में लगेगा उसको लगा रहेगा उसमें लंबे सालों तक। तो यहां पर रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं अगर शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी है। हालांकि शनि भी मारक है, लेकिन शनि कहीं अच्छा ही बैठा हुआ है, अपने किसी सातवें घर में बैठा हुआ है, या फिर यूं कहना चाहिए किसी दसवें ग्यारहवें घर में बैठा हुआ, कहीं भी बैठा हुआ है अच्छे घर में, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शनि ही खराब दुष्टान हाउसेज में नीच का है तो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा नक्षत्र है यहां पर आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र बुध देव का नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, दवाइयों का नक्षत्र है, हीलिंग का है, मेडिसिन का है। तो अगर आश्लेषा में बुध बैठ गया और चंद्र कहीं केतु वेतु में बैठ गया, केतु के नक्षत्र में या केतु चंद्र के नक्षत्र में बैठ गया, तो ये आदमी मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे जाते हैं। दो तीन योग होने चाहिए किसी भी प्रोफेशन को देखने के लिए, एक योग से प्रोफेशन यू कैन नॉट जज। तीन योग कम से कम अगर आपको कन्फर्मिटी देते हैं तभी आप प्रोफेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आश्लेषा में है तो बुध का अपना ही नक्षत्र है, तो यहां बुध आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हम आपको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बुध अगर आश्लेषा में है तो आदमी शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा, लॉजिकल होगा, सीक्रेटिव होगा, हीलिंग वगैरह एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर बारहवां घर भी इन्वॉल्व है, बारहवें घर से भी हम हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं। तो अगर ये इंसान हीलिंग में या मेडिकल प्रोफेशन में या डॉक्टर्स हैं उसमें अगर चंद्र वगैरह और केतु सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये बुध जो है अच्छे रिजल्ट्स यहां पर दे सकता है, क्योंकि अब देखिए हमने बारहवें घर का ही काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत मिरेकल है, आप दुष्टाना हाउस का काम कर रहे हो और दुष्टाना हाउस का प्लैनेट है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब कई ऐसे काम हैं जो छठे आठवें बारहवें से ही निकलते हैं तो वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उस भाव की कमियां या डिफिशियंसीज या प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज भी हमें मिलती हैं अपने प्रोफेशन में। तो दोस्तों ये तीन नक्षत्र हैं यहां पर, तीनों नक्षत्रों में बुध अलग अलग फल देगा, लेकिन बुध का अगर आश्लेषा में बैठा हुआ फिर आपने किसी को देखना नहीं है, फिर चंद्र अच्छा होना चाहिए, चंद्र अच्छी जगह बैठा हुआ है तो बुध फिर आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हम ये नहीं कह सकते यहां आपको 100% खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये मारक प्लैनेट है, खराब रिजल्ट्स जरूर देता है, अच्छे भी देगा तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ खराब जरूर देगा ही देगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू लाइक आर वीडियोस प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी भी मैं कल देख रहा था एनालिटिक्स अपने, तो 67% हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और वो कंटिन्यूअसली सालों से हमारा चैनल देख भी रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान तो है नहीं आपको, हमें सिर्फ फायदा ये है कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अच्छे वीडियोस हमारे ये कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब इमीडिएटली करिए, इट्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स जॉब। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, विल सी यू सून, गुड बाय।